एमपी में गलत नक्शा मामले में ट्विटर के खिलाफ होगी जांच, नरोत्तम मिश्रा ने दिए कार्रवाई के निर्देश। दिल्ली में देश में अब 4 वैक्सीन मिलेगी, फाइजर के साथ बातचीत जारी, डॉक्टर वीके पॉल ने बताई बात। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे सीनियर आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव, कल संभालेंगे पदभार। पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी हमला, बरकत मार्केट में कई धमाके। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से 19 और व्यक्तियों की मौत, राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी के 37 नए मामले सामने आए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और इस वक्त हम मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहली खबर नरोत्तम मिश्रा से जुड़ी हुई। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट के मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह चर्चा में बने रहने के लिए साइबर सेल जाते रहे हैं और इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने महिलाओं के कम वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि जब पुरुषों की वैक्सीन लग जाएगी तो महिलाएं भी आएंगी, भारत का समाज ऐसा ही है। आइए सुनते हैं गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। तो नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर दिग्विजय सिंह पर निशाना भी साधा और वैक्सीनेशन को लेकर तमाम बातें भी कहीं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं का वैक्सीनेशन कम है, उसी के जवाब में नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा है कि जब सभी पुरुषों की वैक्सीनेशन लग जाएगी तो महिलाएं भी अपने स्तर पर वैक्सीन के लिए आगे आएंगी और उनका भी वैक्सीनेशन होगा। वहीं अब खबर सीहोर से है जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को करोड़ों रुपए के कर्जे में डुबो दिया है, भाजपा की सरकार नकारा सरकार है। सज्जन सिंह वर्मा किसानों के हल्ला बोल आंदोलन में शामिल होने खाचरोद पहुंचे जहां किसान अपनी सड़क बनाने की मांगों को लेकर करीब 20 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि क्षेत्रीय भाजपा विधायक ने उनकी मांगों पर कभी ध्यान नहीं दिया। इस दौरान कांग्रेस के बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा के आते ही क्षेत्रीय नेता दिलीप शर्मा को ब्लॉक अध्यक्ष बनाने की मांगें भी मुखर हो गईं। दिलीप शर्मा ने भी किसानों के हल्ला बोल आंदोलन में ताल से ताल मिलाकर न्याय दिलाने का वादा किया है। जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, 20 दिन से ये अनशन पर बैठे हुए हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह का बयान भी आया है और भाजपा सरकार पर साफ तौर पर वहाँ पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने भी एक बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भाजपा के कार्यकाल में मध्य प्रदेश की सरकार कर्जे में डूब चुकी है और यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश का जो विकास का जो पहिया है वो पूरी तरह से थमा हुआ है। भोपाल में एक युवती को मैट्रिमोनियल साइट पर मुंबई के बिजनेसमैन से निकाह तय करना भारी पड़ गया। आरोपी ने भोपाल आकर निकाह करने के नाम पर लड़की से होटल नूर उस सभा में ज्यादती की। इतना ही नहीं, आरोपी ने प्रोफाइल में अपनी उम्र 35 साल लिखी थी जबकि वो 50 साल का निकला। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने निकाह से मना कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर कोहेफिजा पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है, साथ ही मामले की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। तो इस तरह के तमाम मामले सामने आते हैं और ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जब भी कोई इंसान कोई भी व्यक्ति मैट्रिमोनियल साइट पर जाए तो ये ज़रूर अपने स्तर पर जांचे कि आखिर जिस भी व्यक्ति का या जिस किसी का भी हम प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पर देख रहे हैं उसकी पहले पुष्टि की जाए, उसके बाद ही उससे मेल मुलाकात का दौर शुरू हो, नहीं तो इसी तरह के मामले सामने आते रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या मामला है ये, किस तरह की बातें सामने आ रही हैं? बताया जा रहा है कि निकाह का
पहले भरोसा दिलाया और उसके बाद उसके साथ ज्यादती की? नहीं देखिए, जिस तरह से मेट्रोमोनियल आजकल हर शहर में एक दो नहीं बल्कि कई संख्या में खुल चुके हैं, उसके बाद लोग शादी के प्रस्ताव को लेकर अपना नाम यहाँ पर दर्ज करवा देते हैं, लेकिन जब ये मिलान होता है विवाहों का, विवाह के लिए, तो उसके बाद कुछ इन लोगों के नियम होते हैं जिसके मुताबिक कुछ रुपए ये लोग जमा करवा लेते हैं, उस पर लड़का लड़की या इनके परिजनों को सीधे बात करने के लिए मोबाइल नंबर का आदान प्रदान ये लोग कर दिया करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर भी यही चीज देखने के लिए मिली, मेट्रोमोलियर के माध्यम से एक मुंबई का इस्माइल नाम का जो बड़ा व्यापारी था, बिजनेसमैन था, उसने एक लड़की के साथ में यहाँ पर चर्चा की, बातचीत की, उससे कई दिनों तक बात करने के बाद उसने उससे निकाह करने के लिए उसको रजामंद किया, लड़की भी तैयार हो गई क्योंकि उसने भी मेट्रोमोलियर में अपना नाम दिया हुआ था। और उस युवक ने भोपाल में आकर, चूंकि वो एक बड़ा बिजनेसमैन था या नहीं था ये एक अभी जांच के घेरे में है, लेकिन उस युवक ने यहाँ आकर वो होटल नूरसभा, जो कि प्रतिष्ठित होटल है भोपाल का ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश का, नूरसभा होटल में वो ठहरा, वहां उसने युवती को बुलाया और निकाह का झांसा देकर उसके साथ में बलात्कार किया। जब इस घटना के बाद युवती कई बार उससे बात की कि आप निकाह कब करेंगे, निकाह के लिए उससे बात की तो युवक आनाकानी करता रहा और फिर बाद में साफ तौर पर उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। मना करने के बाद फिर युवती गोयलपिता थाने पहुंची और जाकर वहां पर उसने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसको पुलिस ने जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर दुष्कर्म की रिपोर्ट जो है उसकी दर्ज कर ली है। जी, पूरे मामले को लेकर युवती के जो परिजन है, क्या उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है, उनका क्या कुछ कहना है? के परिजनों ने फिलहाल ऐसी कोई उनकी तरफ से कोई बयान फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह की यह घटना घटी है, ऐसी घटना मध्य प्रदेश में कई दिनों से देखने में आ रही है कि निरंतर बलात्कार के मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं, कभी वो मेट्रोमोनियल के माध्यम से आते हैं, कभी सोशल साइट्स के माध्यम से आते हैं जिनमें फेसबुक भी शामिल है, ये घटनाएं इसी तरह से लगातार यहाँ पर बनी हुई है। ये बात अलग है कि साइबर क्राइम अपने स्तर पर काम कर रहा है, पुलिस काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल साइट्स का दुरुपयोग होने के कारण इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और मेट्रोमोनियल अब एक बड़ा माध्यम ऐसा बनता जा रहा है कहीं ना कहीं, जिसका दुरुपयोग होने लगा है। यही कारण है कि मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन ने नूरसभा होटल में इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन फिलहाल जो पीड़िता के परिजन है उनकी तरफ से किसी तरह का बयान सामने नहीं आया है। जी, जिस बिजनेसमैन की बात कही जा रही है, क्या वो वाकई में बिजनेसमैन है या क्या कुछ उसके बारे में जानकारी अभी तक मिली है? होटल में उसने अपना जो पूरी जानकारी दर्ज कराते हैं उसमें उसने खुद को एक बड़ा व्यापारी बताया है, और जो युवती है उससे जब इसकी चर्चा हुई है तो उसने वहां उस युवती को भी एक बड़ा व्यापारी बताकर ही उससे दोस्ती की, उससे जान पहचान बढ़ाई, इसी तर्क के आधार पर पुलिस उसको एक बड़ा बिजनेसमैन मान रही है। और चूंकि दूसरे नजरिए से अगर देखा जाए तो कोई साधारण वर्ग का आदमी या एक निम्न स्तर का आदमी केवल एक घटना को देने के लिए नूरसभा जैसा एक बड़ा होटल बुक नहीं करेगा, तो इसलिए पुलिस मान रही है कि वो कोई बड़ा बिजनेसमैन है जिसने एक बड़ा होटल बुक किया, वहां पर आया, एक जालसाजी की, एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया और फिर यहाँ से फरार हो गया। तो इसलिए जो भी इस तरह के आंकड़े जो सामने हैं उसके आधार पर पुलिस यह मान रही है कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं अब बात मध्य प्रदेश के धार जिले की। धार जिले के नालछा क्षेत्र में महिला अपने परिजनों के साथ धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह को ज्ञापन देने पहुंची। महिला राधाबाई और उसके परिजनों ने धार पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उसके पूर्वज पिछले 8 सालों से इस भूमि पर खेती करते आ रहे हैं, लेकिन उस पर जमीन पर अवैध कब्जे की नीयत से आए दिन पीड़िता और उसके परिवार पर हमला होता है और गुंडों द्वारा धमकाने का काम भी किया जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया है कि 4 मई 2021 को भी जब वे लोग अपने खेत पर काम कर रहे थे तब राकेश नायक और सुरेश नायक नामक दो व्यक्ति आए और राधाबाई नायक को गलत नज़रों से देखते हुए अश्लील हरकतें करने लगे। वहीं भोपाल के बैरसिया इलाके में मात्र 1200 रुपए के लेन देन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस मामले में एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में भी जुट गई है। बैरसिया में जो कल झगड़ा हुआ था जिसमें 307 धारा के अंतर्गत अपराध पंजीकृत हुआ है, इसमें 800 रुपए के लेन देन का विवाद था। बच्चे युवक थे 20-22 साल के, उनके बीच में विवाद हुआ लेन देन को लेकर के। वहीं पास में ये जो पीड़ित थे इसका उस झगड़े से कुछ लेने देने नहीं थे, ये खड़ा था, उसको उसने अचानक से सिर में पाइप से
वार किया जिससे उसके सिर में चोट लगी। वहीं धार जिले के कुक्षी थाना क्षेत्र स्थित सिविल अस्पताल में विवाद देखने को मिला। यहाँ एक युवक और उसके बेटे ने मिलकर अस्पताल परिसर में हंगामा किया और साथ ही अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों और नर्सों के साथ अभद्रता भी की। इस पूरी घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और लगातार अब इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर इस तरह से जिन लोगों ने भी अस्पताल परिसर में घुसकर अभद्रता और गलत तरीके से वहां पर व्यवहार किया है, अब आगे क्या कुछ होगा, ये अब देखने वाली बात होगी। गरोड़ को जिला बनाने की मांग को लेकर एक बार फिर उम्मीद की किरण देखने को मिली है। क्षेत्र के विधायक देवीलाल धाकड़ ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री को मांग पत्र लिखा। इस पत्र को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्व विभाग को भेजा है। पत्र के आधार पर राजस्व विभाग से गरोड़ जिले की मांग संबंधी जानकारी ली जाएगी और इसी के आधार पर अगला कदम भी उठाया जाएगा। निश्चित ही गरोट एवं क्षेत्रवासियों के लिए ये राहत भरी खबर है। अब गरोट के जिला बनने की आस पूरी होती नजर आ रही है, लिहाजा सब सही रहा तो जल्दी ही गरोट को जिला बनने का गौरव भी प्राप्त हो सकता है। गरोट जिले के बारे में हमारी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मैं जिलाध्यक्ष था उस समय से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और मैं विधायक बनने के बाद में भी मैंने बराबर पत्र भी दिया और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उनसे चर्चा की और उसका मुख्य आधार मैंने ये बताया है कि एक्चुअल में भानपुरा क्षेत्र के गांव से लगाकर मंदसौर की दूरी 150 किलोमीटर से अधिक पड़ती है और जिला स्तर के जो काम हैं उसके लिए मंदसौर जाना पड़ता है, कलेक्ट्रेट के काम से हैं या परिवहन विभाग के काम से हैं, तो उसके कारण इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच मामूली विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों में फायरिंग शुरू हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, साथ ही पुलिस लगातार मामले की जाँच में भी जुटी हुई है। एक रौनक उपाध्याय इनके द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि परसों रात्रि में कुछ व्हाट्सएप चैटिंग के दौरान कुछ लोगों से इनका विवाद हो गया था, जिस पर से कुछ लोग इनके रात में 3 बजे लगभग घर आकर धमकाया और साथ हवाई फायर किया था। इस संबंध वह इंदौर के जूनी थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले को लेकर जांच अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि पिछले दिनों से युवक घर से लापता था। इससे पहले भी युवक कई बार घर से गायब रह चुका है। हालांकि पुलिस का मानना है कि पोस्टमार्टम के बाद जाँच में कुछ और सामने आ सकता है, जिसके आधार पर आगे की जाँच पड़ताल की जाएगी। के माणिकबाग ब्रिज के आगे परशुराम अस्पताल के पास पुलिया के नीचे बॉडी मिली है, तो यहाँ पे आके देखा तो मोहम्मद अशफाक उर्फ भूरा खान तथा मोहम्मद यूनुस उम्र 38 साल मिला है, जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि नशा करने का आदि है, जो आसपास परिजनों ने बताया। वही इंदौर के ही तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक रिक्शा चालक के साथ कुछ बदमाशों ने चाकू की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने चंद घंटों के अंदर इलाके की घेराबंदी करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर की अन्नपूर्णा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं अब क्या कुछ देखने को मिला वो भी हम आपको बता दें। तीनों ही आरोपी क्षत्रिपुरा थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जिन्होंने चेन लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस लगातार लूट की घटना में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। हालांकि पुलिस लगातार मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। लालबाग के पास में शराब दुकान के पास में वो किसी का वेट कर रहा था, अपने दोस्त का, एक्टिवा पे सवार था वो। उसी वक्त माणिकबाग तरफ से एक ऑटो में 3 लोग आए बैठकर,
और उसकी चेन छीन के, गले से जो पहनी हुई चेन थी चेन छीन के भागे। फिर उसने उनका पीछा किया, वो पीछा करते रहे करते रहे। इसी दरमियान जो ऑटो वाले थे वो छत्रपुरा थाना क्षेत्र में प्रवेश किया और वहाँ पे चूँकि बहुत हड़बड़ी में थे वहाँ उनका ऑटो पलटी खा गया और आरोपी वहाँ से भाग गए। तो उस फरियादी की और छत्रपुरा पुलिस की तत्परता से एक आरोपी को इंदौर पुलिस को ही एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक व्यापारी के साथ हुई लाखों की चोरी के मामले में बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि वो लगातार इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कबूला है कि उन्होंने पहले भी कई वारदातों को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कुछ दिनों पहले एक हमारे स्नेतागंज के एक अपार्टमेंट से चोरी हुई थी, तो वो परिवार कुछ दिनों के लिए भोपाल गया हुआ था, तो उनकी घर का ताला तोड़कर और अलमारी से कुछ आभूषण चुरा लिए थे और साथ के साथ जो विदेशी मुद्रा होती है दिरहम, तो उसके 23 नोट जो थे वो भी उसमें चोरी में चले गए थे। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पाया गया कि तीन व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर गए हैं और लगातार हमारी टीम ने उसका कनेक्शन जोड़ते हुए फुटेज के आधार पर और सूत्रों के आधार पर मुखबिर की सूचना पर और सब करते हुए हम लोगों ने आज दिना। वहीं मंदसौर पुलिस ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग करके रुपए ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधी हरियाणा के मेवात की उस ब्लैकमेलिंग गैंग को फर्जी तरह से बैंक अकाउंट खुलवाकर बेचा करते थे, जो सोशल मीडिया पर लोगों को अश्लील वीडियो कॉलिंग के जरिए धमकाने का काम करती थी। ये आरोपी मजदूर वर्ग के लोगों के कागजात लेकर फर्जी तरह से बैंक खाते खुलवाकर मेवात की गैंग को 10 से 25,000 रुपयों तक में बेच दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 3 मोबाइल, 6 फर्जी सिम, 1 फर्जी बैंक खाता किट और 200 मजदूरों के आईडी कार्ड और बैंक खाते की जानकारी प्राप्त की है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो राजस्थान के अलवर जिले में काम करते हैं। आपको बताते चलें कि बीते दिनों मंदसौर में अश्लील वीडियो कॉलिंग के जरिए धमकाकर रुपए ऐंठने का मामला सामने आया, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। जांच के दौरान पुलिस को गिरोह से जुड़े इन लोगों को पकड़ने में सफलता मिली है। मीडिया के माध्यम से एक व्यक्ति से इन्होंने दोस्ती की और दोस्ती के बाद उनको वीडियो कॉल के माध्यम से फिर ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। तो हमने जब इसको मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो इसमें जो बात सामने आई कि भिवाड़ी के रहने वाले दो व्यक्ति मिले हैं, जो कि वहाँ पर फैक्ट्रीज काफ़ी हैं, फैक्ट्री में लोग सुपरवाइज़र का काम करते हैं और जो फैक्ट्री के लोग आते हैं वहाँ पर काम के लिए, जो अकाउंट ओपन होता है उनका, वह अकाउंट ओपन करा करके उनमें से ही कुछ अकाउंट को दूसरे गैंग को। अब खबर रीवा से है, जहाँ नर्सों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। नर्सों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो 30 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगी। आपको बता दें कि नर्सों की ये मांगे हैं कि उन्हें उच्च स्तरीय वेतनमान अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी उन नर्सेज को दिया जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, साथ ही कोरोना काल में शहीद हुए नर्सिंग स्टाफ के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। तो रीवा में लगातार नर्सों का ये प्रदर्शन जारी है और वो लगातार ये मांग कर रही हैं कि जो भी उनकी पुराना जो वेतनमान है वो बहाल किया जाए और साथ ही साथ कोरोना काल में जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनको सरकार अपनी ओर से मुआवजा दे और उनके परिवारों को भी वो मदद मुहैया कराए। मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन ने अपनी 12 सूत्री मांगें रखी है। 12 सूत्री मांगों में पहली हमारी मांग है कि अन्य राज्यों की भांति मध्य प्रदेश की नर्सों को भी सेकंड ग्रेड का दर्जा मिलना चाहिए, यानी उच्चतम वेतनमान मिलना चाहिए। दूसरा है कि 2005 में जो सरकार ने पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी थी उस पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करें। तीसरा, आदर्श भर्ती नियम 2018 सरकार ने जो बनाया है उससे हमारे जो नए नर्सों की नियुक्ति होती है उनमें उनका बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि उनमें जो न्यूनतम वेतनमान दिया जाता है तो न्यूनतम वेतनमान का पहले साल 70%, दूसरे साल 80 और तीसरे साल 90% दिया जाता है, जो बिल्कुल इस नियम को मैं आज के लिए सामूहिक अवकाश का उन्होंने आवेदन दिया है और कल के बाद परसों से उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का एक नोटिस दिया था। तो उसमें वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जो
छात्र नर्सें हैं, स्टूडेंट नर्सेस हैं, उनको उनसे बात की गई है और उनको समझाया गया है कि आप लोग हड़ताल पे नहीं जा सकते क्योंकि आपका कोई उसमें पहले से पूर्व नोटिस नहीं दी गई है, आपने अपने मुद्दे कोई ऐसे बताए नहीं थे जिसके आधार पे आप हड़ताल पे जाएं। तो वह हमने उनको कहा है कि अगर आप नहीं आएंगे तो अवैधानिक होगा, आपके खिलाफ कार्रवाई। रीवा में डाक विभाग द्वारा डाक टिकट संग्रह वर्कशॉप एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान रीवा महाराज पुष्पराज सिंह, डाक अधीक्षक आरएस चौहान समेत डाक विभाग के कर्मचारी और बच्चे मौजूद रहे। डाक टिकटों के संग्रह की यहां प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डाक टिकटों के बारे में जान सकें। आपको बता दें कि डाक टिकट की जानकारी देने के उद्देश्य से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। साथ ही यहां पर चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने डाक टिकट समेत अलग अलग तरह की पेंटिंग बनाई। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो बना है उसके माध्यम से फिलैटले की ये प्रदर्शनी लगाई गई है। फिलैटले का एक साधारण मतलब है जो हमारे स्टैम्प्स हैं, पोस्ट के स्टैम्प्स हैं, उनकी ये प्रदर्शनी लगाई गई है। किस प्रकार से समय के साथ साथ जो महत्वपूर्ण तारीख इतिहास में अंकित होती गई उसके नाम से ये टिकट, डाक टिकट जारी होते गए, तो उसको दिखाने के लिए और बच्चों को प्रेरित करने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर आज यहाँ डाक विभाग की तरफ से, तो हमारे विभाग की एक अभिनव योजना है डाक टिकट संग्रह, जिसको हम लोग फिलेटलिस्ट के नाम से जानते हैं। जो डाक टिकट संग्रह करते हैं उनको फिलेटलिस्ट कहते हैं। तो जो डाक टिकट संग्रह की जो हॉबी है उसको बढ़ावा देने के लिए हमने बच्चों के बीच में आज एक वर्कशॉप रखी, उनको डाक टिकट के संबंध में जानकारी दी और कुछ का एक प्रतियोगिता रखी गई। साथ में उन्होंने ड्राइंग भी आज बहुत अच्छी अच्छी बनाई, चित्र बनाए डाक टिकट। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरफान खान को लोकायुक्त पुलिस ने 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। छोटी दरगाह कमेटी के अध्यक्ष अनस अब्बासी की झूठी शिकायत और उन्हें पद से न हटवाने के एवज में 5,00,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने इरफान को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। जिला वक्फ कमेटी के अध्यक्ष इरफान खान के जी द्वारा मुझे पैसे की 5,00,000 की मांग की गई थी और उनके द्वारा ये धमकी दी जा रही थी कि आपने अच्छा काम तो किया है छोटी दरगाह में और आप अन्य वक्फों में अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो आप हमको भी कुछ दीजिए, तो नहीं तो हम आपको परेशान करेंगे। तो इसकी शिकायत मैंने लोकायुक्त SP महोदय से की। SP साहब ने हमको प्रक्रिया समझाई कि इस प्रक्रिया से टेप रिकॉर्डर लेकर आपको जाना है, इस तरह इसको कानूनी। छोटी दरगाह कमेटी अध्यक्ष के द्वारा एक शिकायत की गई थी कि जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष इरफान खान द्वारा उनसे शिकायतों का निराकरण एवं पद से हटाने की धमकी देकर 5,00,000 रुपए की मांग की जा रही है। मैं रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, इनको रिश्वत देते पकड़वाना चाहता हूं। शिकायत सत्यापन किया गया और उनके द्वारा जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष द्वारा फिर 1,00,000 रुपए की अंतिम डिमांड की गई। तो वक्फ बोर्ड अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है, रीवा से ये खबर आई है। लोकायुक्त पुलिस ने ये इस पूरी घटना को अंजाम देने जा रहे उन लोगों को गिरफ्तार किया है और वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। लोकायुक्त पुलिस अब जिस तरह से सक्रियता दिखाती हुई नज़र आ रही है उसी के बाद अब इस तरह की चीज़ें और इस तरह के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं अब समाज में निकल कर सामने भी आ रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस की ये सक्रियता अब आने वाले दिनों में समाज को किस ओर ले जाएगी ये भी एक देखने वाली बात होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम TV।